के माध्यम से सरकार से और सभी युवा बेरोजगार साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जो 2000 पदों को लेकर विशेष शिक्षा में इस पदों को मैं मांग करना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द हमारे युवा बेरोजगारों की जो ये अपील है उसको आप थोड़ा सीरियसली तरीके से लेकर हम यहाँ शहीद स्मारक पर इस चीज़ को लेकर और अन्य मांगों को लेकर यहाँ शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर पूर्वज और जोर तरीके से हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांग कर और जितना हो सके उतना आप हमारी मांगों को पूर्ण करें और ये जो पद है वो 2000 से लगभग अधिक है जो है अन्य अन्य स्तरों पर है, ब्लॉक स्तर पर है और बाकी और स्तरों पर है। ऐसे कुल मिला के 2000 पदों को लेकर हम सरकार से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सभी युवा साथी पधारे हैं, तो सभी से मतलब आशा है मेरे मतलब मैं इस स्तर पर कहना चाहता हूँ मतलब मीडिया के स्तर से कि आप हमारी मांगों को पूरी करें। हमारी मांग सर विशेष शिक्षक द्वितीय श्रेणी के पदों पर हमारी मांग है सर, कम से कम 2000 पदों पर भर्ती निकाले, क्योंकि पीछे क्या हुआ है थर्ड ग्रेड की भर्ती निकली है 4500 पदों पे कम से कम, तो वो भी बच्चे क्या है कि 8वीं पास आ करेंगे 9वीं 10वीं पढ़ेंगे तो माध्यमिक स्तर से होंगे, तो उनके लिए भी और जो कुछ बच्चे जो हमारी द्वितीय श्रेणी की जो भर्ती है ना सर 2015 के बाद में 8 सालों से अभी तक आई नहीं है सर, वो भी केवल और केवल 215 पदों पर निकली थी। इसलिए हमारी मांग है कि 2000 पदों पे विशेष शिक्षक श्रेणी की भर्ती निकाले और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लागू हुआ था कि ग्राम पंचायत स्तर पे ब्लॉक स्तर पे कम से कम एक विशेष शिक्षक अनिवार्य हो ताकि दिव्यांगों के लिए पढ़ाई उनके मुख्य धारा समाज में मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, आसानी से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या है कि राजस्थान सरकार हमेशा से दिव्यांगों के प्रति सजग रही है इसी क्रम में हमारी मांग है कि लोक सरकार से हम करना चाह रहे हैं कि विशेष शिक्षक द्वितीय श्रेणी के पद निकाले, जिससे क्या है कि जो दिव्यांग पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके हितों में फैसला हो और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कि विशेष शिक्षक अनिवार्य किया जाए हर एक विद्यालय में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो फरवरी के अंदर इसी साल आ चुका है। तो गहलोत सरकार जो हमेशा से जोधपुर से हैं वहाँ भी दिव्यांगों के प्रति बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, सजगता योजनाएं आ रही है, तो इसी क्रम में लगातार हमारी यही मांग हो रही है कि कम से कम 2000 पदों पे, क्योंकि पंचायत स्तर ग्राम पंचायत स्तर ब्लॉक स्तर पे अगर हम देखें ना तो पद बन रहे हैं 11000 पद, और सीधी भर्ती अगर RTI के थ्रू हमने चेक की थी तो 789 पद खाली है उस पर, तो कुल मिला के 7 से 8000 पद ये हो गए, तो 11000 पद वो उनमें से 5500 पे DPC हो जाएगी, तो 5500 पद वो खाली बचे हमारे, तो 5500 ये 789 पद वो 1400 ब्लॉक स्तर ग्राम पंचायत स्तर 7-8000 पद बन रहे हैं रिक्त, लेकिन हम केवल और केवल 2000 पदों पर मांग कर रहे हैं, जिससे आज जो समाज में जो दिव्यांग पीछे रह चुके हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो पुनः अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सके। यही मांग करते हुए हम मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं, आप मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करते हैं जो हमारी मांग सरकार तक पहुंचाती है। धन्यवाद।